सिनेरिया के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर होते हैं और यह बंच में खिलते हैं और यह कई कलरों में आते हैं और यह विंटर का फ्लावर्स है और यह कम धूप वाली जगह पे होता है। इसे अगर आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा जब तक कि आप इसकी अच्छी केयर करते रहेंगे। इसके फ्लावर्स अब मुरझाने लग गए हैं, यानी कि इसके फ्लावर्स जो हैं अब तैयार हो चुके हैं, इनमें सीड पॉट बन चुके हैं। तो अब हम लोग इसे कलेक्ट कर रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर सकते हैं। हम अभी अच्छे से कलेक्ट कर रख लेंगे तो इसे हम लोग फिर सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सिन्हाज गार्डन में। और फ्रेंड्स, कैसी रही आपकी होली? हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज है मार्च का 9 तारीख और सिनेरिया के जो फ्लावर्स हैं वो अब मुरझा रहे हैं, यानी कि इसमें जो सीड हैं वो अब तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसके सीड को कलेक्ट कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके सीड को कलेक्ट कर रखते हैं ताकि हम नेक्स्ट सीजन में खुद से इसके फ्रेंड्स प्लांट जो है ग्रो कर सके अपने गार्डन में। सारे अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो ये देखिए, इसमें कुछ फ्लावर्स हैं जो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और कुछ नहीं भी तैयार हुए हैं। तो जो इनमें तैयार हुए हैं तो उसे इस तरह से पकड़ लें और सीजर की सहायता से इस तरह से कट कर लें। इसमें कुछ फ्लावर्स जो तैयार नहीं हुए हैं उसे अभी हम छोड़ देते हैं। और इसमें भी एक तैयार है तो इसे सिर्फ मैं एक को ही तोड़ ली हूँ। तो चलिए अब इसे सीड हम कैसे निकालते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो इसे एक दो दिन के लिए शेड में ही सुखा लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से मैश कर लेते हैं हाथ से, और उसके बाद इसे छन्नी से इस तरह से छान लेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो काले काले दिख रहे हैं वे इसके सीड ही हैं। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखिए ये सीड हैं इसके काले काले। तो अब इन सीड को मैं सूखने दूंगी सेडी प्लेस में ही, और इसे हम इस तरह से प्लेट में नहीं सुखाएंगे क्योंकि यह बहुत ही हल्का होता है, वो थोड़ा सा भी हवा लगेगा इसमें तो ये उड़ जाएगा। तो इसे किसी छोटे से बर्तन में, कटोरी में या कंटेनर में रख लेंगे और उसके बाद इसे एक दो दिन के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद कर रख देंगे। और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी वगैरह या फंगीसाइड्स मिलाकर आप रख सकते हैं। हल्दी या फंगीसाइड्स के साथ मिलाकर रखने से सीड ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, सिन्हाज गार्डन की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। तो इस तरह से देखिए मैंने इस कंटेनर में इसे रख लिया है और एक दो दिन के बाद ही इसे इसके ढक्कन को लगाऊंगी। एक दो दिन में इसके सीड जो हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे और इसके बाद फिर मैं इसे छन्नी से छान लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख दी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।